बड़े गज वज के आने के चक्कर में हैं जनाब इस्लामाबाद की तरफ। उधर से शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपने जनाब जलवे दिखा रहे हैं। सो गॉड फॉरबिड कोई किसी जगह पे दोनों जो जलसे हैं या दोनों जो रैलीज हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, दोनों रैलीज किसी जगह पे उनका इंटरेक्शन तो नहीं हो सकता, कितने चांसेस हैं उसमें? नहीं जी, हमने मुबशर साहब, मैंने खुद हमने बड़ा इस चीज पे जोर विचार किया है और पूरा हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, एक प्लान बनाया है जिसमें इंशाल्लाह ताला कम से कम जहां तक सिंध सूबे की बात है तो हम रूट्स अपने अलग रखेंगे ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। okay. हमने बड़ा अच्छी तरह से पूरा ये प्लान किया है और मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आपको और आपके तवसल से आपके चैनल को भी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रैली आई है ना उसको जरा एक फोकस में ड्रोन व्यू एक दीजिएगा और जो कल बिलावल भुट्टो की रैली जा रही है उसको भी जरा ड्रोन व्यू दीजिएगा और दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अवाम कहां पर किसके साथ है, क्या कर रही है और किसको अवाम ने फेल कर दिया है। जिस स्पीड में और जिस तरह से आज हालात जा रहे हैं तो मैं देख रहा हूं बहुत जल्द हमें इंशाल्लाह निजात मिल रहा है इमरान खान गाजी साहब से। और आपको बड़ी हैरत होगी, जो इनके खास खास जो होते थे इनके कोलिशन पार्टनर्स, इनके इंडिपेंडेंट्स, वो बहुत ही बड़ी तादाद में हमारे साथ मिलने वाले हैं। और आप ये भी देखेंगे कि एक मिनट में रुकिएगा नवाब साहब, एक मिनट रुकिएगा, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। कौन से लोग मिलने वाले हैं आपके साथ? आपके सामने खबरों में आ रहे हैं, मुझे अभी तक तो खैर इजाजत नहीं है प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तरफ से कि कुछ मैं डिस्क्लोज करूं, पर आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ऐसे कर लेते हैं, आप जरदारी साहब की जो इंस्ट्रक्शन है उनको जरूर फॉलो करें। हमें सिर्फ इतना बता दें कि आपके पास जो लोग मिलने वाले हैं वो पीटीआई के हैं, वो सिंध से हैं, वो कहां से हैं, कौन से सूबे से हैं? देखिए जी, सिंध तो वैसे ही पूरा हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध में तो इनके कोई स्टेक अब रहे ही नहीं है, जो थोड़े बहुत है शुभ भी खत्म हो जाएंगे, पर ज्यादा जो हमारे पास